हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि दोस्तों कैसे हमारा स्विचयार्ड से हमारा पूरा सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो हमारे घर तक सप्लाई किस तरीके से पहुँचती है। बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से एक बेसिक आइडिया मिल जाए, और ये वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हम बताएंगे कि ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है, पावर सिस्टम है, वो प्लांट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि पावर जनरेशन हुई उसके बाद मेरा मोटर तक कैसे पहुंचेगा, उसके बीच में क्या क्या डिवाइसेज है, जस्ट इसके बाद वाला वीडियो वही आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करिएगा। और हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत ही ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं जो रेड कलर से हमने डायग्राम बना रखा है, वो बेसिकली एक बेसिक ओवरव्यू है स्विचयार्ड का। दोस्तों आप प्रैक्टिकल स्विचयार्ड का अगर व्यू देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आपको स्विचयार्ड का प्रैक्टिकल दिख जाएगा जो मैंने यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरेटिंग सोर्सेज जो हमारा, देखिए दोस्तों हमारे प्लांट में क्या होता है, टरबाइन हो सकती है। टरबाइन जो होता है वो जनरेटिंग सोर्स हो सकता है। मैंने फॉर एग्जांपल टरबाइन लिया है, विंड टरबाइन कई तरीके की हो सकती है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। टरबाइन के एक एंड पे क्या होता है दोस्तों, एनजीआर यानी नॉन ग्राउंडिंग रेसिस्टेंस होता है, जो क्या करता है उसको ग्राउंड करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार वाइंडिंग होती है। तो स्टार वाइंडिंग का जो न्यूट्रल होता है वो हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें ग्राउंड करना पड़ता है जाके उसको। तो उसके बाद हम एनजीआर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किसी अगले वीडियो पे। तो जनरेटिंग वोल्टेज हमारा ये स्विचयार्ड है, जनरेटर ने हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस किया। इसके बाद स्विचयार्ड में सबसे पहले आपको मिलेगा लाइटनिंग रजिस्टर, जो हमारे सर्च से कोई भी तरीके की लाइटिंग जो ऊपर होगी एटमॉस्फेयर से उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद एक हमारा होता है सर्किट ब्रेकर, जिसकी सेटिंग हम करके रखते हैं कि ताकि कोई प्रॉब्लम हो अगर बाहर से अंदर की मतलब प्लांट से बाहर ना जा पाए हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और बाहर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारे प्लांट के अंदर ना आ पाए, ताकि जनरेटर को ना कुछ नुकसान पहुंचा पाए, उसके लिए हमें सर्किट ब्रेकर रखते हैं। इसके बाद दोस्तों एक डिवाइस आती है आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करते हैं, जहां हमें बिल्कुल भी आइसोलेट होना पड़ता है बाहर के सिस्टम से, जो बाहर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मतलब प्लांट के बाहर का, तो हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है करंट ट्रांसफार्मर, ये है हमारा करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही वो चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स ले सकते हैं कि करंट कितना चल रहा है, पोटेंशियल कितना चल रहा है, हर वाइंडिंग की करंट क्या है, हर वाइंडिंग का पोटेंशियल क्या है। क्योंकि बहुत सारी जो हमारी आपने देखा होगा कि रिलेज होती हैं, अर्थ फॉल्ट रिले या ओवर करंट रिले या अर्थ ओवर वोल्टेज रिले, बहुत सारी रिले जो काम करती हैं वो इसी फीडबैक्स पे काम करती हैं। अगर हमारा CTPT लाइन पे नहीं होगा तो हम जो है कैलकुलेशन वाली रीडिंग्स, हम पावर कितनी भेज रहे हैं वो भी कैलकुलेशन हम इसी CT और PT से करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा मेन ट्रांसफार्मर आता है, जो स्टेप अप होता है, वो क्या करता है ट्रांसमिशन के लिए 11 kV से 33 kV या वो 132 kV भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप हो चुकी है। फिर एक और सर्किट ब्रेकर आएगा, जो हमें बाहर की प्रोटेक्शन से, एक तो था ही दूसरा एक और लगाते ताकि बाहर की प्रोटेक्शन से हम बच सके। उसके बाद एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाते हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद अब हम आ चुके हैं बाहर की पावर सप्लाई, यानी हम स्टेट की पावर सप्लाई में आ चुके हैं, यानी प्लांट से बाहर निकल के हमारा जो जितने भी ग्रिड चलती हैं हम ग्रिड में आ चुके हैं। अब ग्रिड में क्या होता है दोस्तों, 33 kV आपने सब स्टेशन तक पहुँचाई, उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो किसी और सब स्टेशन में भेजना चाहे तो वहाँ भेज सकते हैं। इसके बाद अगर हमको इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना है तो हमें इसको वापस स्टेप अप करना पड़ेगा। स्टेप अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम लंबी ड्यूरेशन पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं तो हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जब वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा तो करंट कैरिंग की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कंडक्टर हमें पतला रखना है, हमें कंडक्टर पतला कब रखेंगे, जब हमारा वोल्टेज क्या होगा, कंडक्टर यानी मैं वायर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे अगर वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी करंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और करंट की कैपेसिटी बढ़ेगी तो मेरा कंडक्टर का साइज़ बढ़ेगा। तो कंडक्टर का साइज़ छोटा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और दूसरा एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये रीज़न है क्योंकि हम जितना वोल्टेज मेरा हाई रहेगा उतना मेरा करंट का लॉस क्या होता है दोस्तों, कम होता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बड़ी बड़ी डिस्टेंस पे, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, स्टेप अप करना पड़ता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के फॉर एग्जांपल मैंने 132 kV कर लिया, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, आप
और भी देखेंगे, 240 भी आएगा, 33 केवी भी आएगा, कई सारी हमारे यहाँ 620 भी आएगा, कई सारी केवी की लाइन्स हमारी आती हैं, कंफर्म नहीं, आप जाके नेट में सर्च कर सकते हैं। तो उस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे करनी है तो बहुत ज़्यादा आपको वोल्टेज उसका बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो ईजिली जो है ट्रांसमिट हो पाए और ट्रांसमिशन लॉस ना के बराबर हो। उसके बाद भी फिर से अलग अलग सब स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, फिर लोकल सब स्टेशन में लाने के लिए, सिटी में लाने के लिए हमें वापस स्टेप डाउन करना पड़ता है। स्टेप डाउन के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डेल्टा टू स्टार वाइंडिंग, ये जो सिंबल बना रखे थे मैंने, ये स्टार वाइंडिंग है, ये डेल्टा वाइंडिंग है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जब हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं हमें तीन वायर की जरूरत होती है, न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है, तो हम डेल्टा में ट्रांसमिशन करते हैं। लेकिन जब हमें स्टेप डाउन करना होता है और हमें वायर चाहिए होता है यूज़ करने के लिए, तो हम उसे स्टार में कर देते हैं। स्टार में इसलिए करते हैं ताकि हमको एक न्यूट्रल मिल जाए और वो न्यूट्रल मेरा आखिरी तक जो हमको यूज़ करने वाला है मतलब जो हमारा लोकल यूज़ करने वाला है वहाँ तक पहुँच जाए। इसके बाद क्या होता है, ये मतलब एक बेसिक सा ओवरव्यू है। यहाँ पे कई सारे सब स्टेशन हो सकते हैं, एक नहीं हज़ारों हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने बताया है मैंने, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इतना ही क्यों ले रखा है। उसके बाद वापस फर्दर स्टेप डाउन करते हैं ताकि डोमेस्टिक पर्पज से यूज़ कर सके। हमने 11 केवी को वापस 440 में कन्वर्ट किया, फिर 440 वहाँ पर चला जाता है जो हैवी कस्टमर्स होते हैं, और जो 230 वोल्ट होता है वो हमारा रेजिडेंशियल कॉलोनीज में आता है। 440 भी हमारा रेजिडेंशियल कॉलोनी में आता है, लेकिन हम जनरली यूज़ नहीं, मतलब वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास लोड बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू कि कैसे हमारा जनरेटर से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, स्विच यार्ड के होते थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के होते थ्रू, स्टेप अप स्टेप डाउन होते के हमारे घर तक पहुंचता है। बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू है। अगर से रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों के साथ पहुंच सके। और जैसा कि मैंने वादा किया था, तो अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो पावर सिस्टम प्लांट के अंदर कैसा होता है उसे हम आपको सिंगल फ्लो डायग्राम में बताएंगे, और उसके अंदर लगे हुए इक्विपमेंट को बिल्कुल ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे वो लगे होते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।